क्वेश्चन नंबर वन पार्ट वन वी आर गिवन 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3. वी आर टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी. अब देखो 2x माइनस 1 होल स्क्वायर बीइंग अ स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. ठीक है, और उसमें जो भी इसकी वैल्यू होगी उसमें क्या ऐड हो रहा है, 3. अब 2x माइनस 1 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, व्हाट द मिनिमम. हाँ जी, क्यों क्यों. अगर x को मैं हाफ पुट कर दूं, जीरो आ गई ना, मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, जीरो. क्यों, क्योंकि बीइंग अ स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव होगा और सबसे लोएस्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, जीरो. जीरो से लेफ्ट साइड पे यानी कि नेगेटिव इसकी वैल्यू कभी नहीं हो सकती. तो ये आपका जब जीरो होगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, अदरवाइज आप थ्री में सम पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू थ्री से बढ़ती जाएगी. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई आपके पास, थ्री. जब ये जीरो होगा एफ ऑफ एक्स विल हैव इट्स मिनिमम वैल्यू. When 2x, हाँ जी, हाँ तभी 3 आएगा. कल करके दिखाया था ना इस तरीके से भी, जैसे मर्जी कर लो. ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इट इज इन द एमसीक्यू फॉर्म ना, तो फिर डायरेक्ट हम वर्बली भी इसको कर सकते हैं. जब भी आपको एक परफेक्ट स्क्वायर साथ में गिवन है तो परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू विल बी 0, तो जो आपका यहाँ कॉन्स्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गिव द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू. सो वेन दिस f of x will have its minimum value when this is equal to 0 implies minimum value of f of x is three. What will be the maximum value? अब x की value मैं जो मर्जी put करूं, 2x minus 1 whole square एक positive number आता जाएगा. Is there any last number कि जिसके बाद 2x माइनस 1 होल स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, इज देयर एनी सच नंबर, नो. तो दिस वैल्यू कैन गो अप टू इंफिनिटी, तो इट मींस f ऑफ x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इंफिनिटी, यानी कि देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू. चलिए सेकंड पार्ट, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2. हाँ जी, या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो जैसे टेंथ में करते थे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, या फिर कैसे करोगे एफ डैश एक्स निकाल के, कैसे करना है, परफेक्ट स्क्वायर से करना है. हाँ जी, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है. बताओ क्या आएगा डेरिवेटिव. और नहीं कुछ आ सकता कॉमन, एक्स कितना आ गया. हाँ जी, क्या माइनस, यस माइनस साइन इज देयर, माइनस 2/3. पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. So x 3x plus 2 equal to 0, x is equal to minus 2/3. Orally जब calculations करोगे साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको. Next, x minus 2/3 is the critical point. अब f dash x का देखो इस पे साइन पॉजिटिव चेंज हो रहा है या नेगेटिव चेंज हो रहा है. हाँ जी, this is equal to 0. आप इसको माइनस 2/3 पे चेक करोगे तो वो जीरो ही आएगा, क्योंकि आपने माइनस 2/3 उसको जीरो पुट करके ही निकाला है. आपको क्या चेक करना है, स्लाइटली टू द लेफ्ट एंड स्लाइटली टू द राइट.
हाँ करो, साइन बताओ मुझे, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, कैसे, किसको जीरो लिया आपने? माइनस टू बाई थ्री इज अप्रोक्सीमेटली माइनस 0.6। अब उसके स्लाइटली लेफ्ट और स्लाइटली राइट, कैसे, इधर और इधर वाला पॉइंट। आप इंटेग्रल वैल्यू भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि साथ वाला पॉइंट ही उठा लेना है। हां जी अंकिता, विल यू टेल? इधर ले, कितना आ रहा है इधर? इधर क्या लिया आपने? इधर का नेक्स्ट इंटीजर क्या बनेगा? जीरो ले लिया। इधर का क्या बनेगा? माइनस वन ले लिया। अब एफ डैश एक्स को पहले माइनस वन जब आपने पुट किया तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी? 18 इंटू माइनस वन प्लस 12, दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू आ गई। यानी कि एफ डैश एक्स जो है लेफ्ट साइड पे अगर हम ले रहे हैं माइनस टू बाई थ्री के स्लाइटली टू द लेफ्ट, तो दैट इज लेस देन जीरो, एंड स्लाइटली टू द राइट, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, सो माइनस टू बाई थ्री इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी वो यहां पे पुट करो माइनस टू बाई थ्री को, कितना आएगा पुट करके जल्दी से बताइए। ये समझ आ गया कि शुड आई एक्सप्लेन अगेन? आ गया समझ? माइनस टू बाई थ्री पे इधर मैंने माइनस वन और जीरो ले लिया, लेफ्ट पे माइनस वन है, एफ डैश एक्स में आपने जब यहाँ पे माइनस वन पुट किया तो आपका आंसर माइनस सिक्स यानी कि नेगेटिव आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है। उसके बाद जब आपने इसको जीरो पुट किया तो ये आपका आंसर 12 यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। साइन इसका चेंज हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो अब लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको, तो वैल्यू निकालने के लिए आप एफ ऑफ एक्स यूज करते हो, कितनी आई वैल्यू? कैलकुलेशंस थोड़ा सा क्विक हो अपनी कैलकुलेशंस में, कितना आया गुरसिमरन? एफ ऑफ माइनस टू बाई थ्री कितना आया आपका? माइनस, बाकी चेक करो। तीन टर्म्स में, दो टर्म्स में पुट करना है, वो भी मेरे को डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दे रहे हो। अंकिता क्या आंसर आए हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन आल्सो गिव द आंसर। हाँ जी, माइनस टू आ रहा है, माइनस कितना आ रहा है आपका? ये था आपका एफ ऑफ एक्स। अब करो इसको, ये नाइन और ये नाइन कैंसिल आउट होके दिस इज प्लस फोर और दिस इज माइनस एट एंड दिस इज प्लस टू, तो कितना आया ये? हाँ जी प्लस टू वाले ध्यान से देखो, साइन किसका कर तो दिया ये? ये 4/9 आ गया स्क्वेयर करके, गॉट इट नाउ? छोटे बच्चों की तरह कैलकुलेशंस करवानी पड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहां ध्यान से देखना, माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10। एक्स माइनस वन होल स्क्वायर के आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, हां जी चलो अभिनव आप बताओगे ये।
एक्स माइनस वन होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन प्लस 10. एक्स माइनस वन होल स्क्वायर बीइंग अ स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. हाँ, बट बाहर नेगेटिव साइन है. इट मींस जब ये वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, तब ये आपकी वैल्यू मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी? मैक्सिमम होगी. क्यों? क्योंकि आगे नेगेटिव साइन लगा है. जब यहाँ पे आपका ये ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो उसके आगे जब नेगेटिव साइन लग गया, वो वैल्यू 10 में से माइनस होकर 10 से कम होती जाएगी आपकी. ठीक है, तो इट मींस कि जो मैक्सिमम वैल्यू अभी इस केस में आ रही है दैट इज 10. मिनिमम क्यों? मान लो हाँ, मान लो मैंने इसको यहाँ पे एक्स की जीरो क्यों? यस, मैक्सिमम वैल्यू इज 10, तो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन लगा होने के कारण ये पॉजिटिव होगा आपका हमेशा. उसके आगे माइनस का साइन आ गया तो ये वैल्यू 10 से छोटी होती जाएगी. कितनी छोटी हो रही है दैट डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू. तो ये वैल्यू आपकी अप टू इन्फिनिटी जा सकती है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी जा सकती है. तो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 10. अब फोर्थ पार्ट, दिस इज एक्स क्यूब प्लस 1. एक्स क्यूब प्लस 1. साथ में क्या गिवन है आपको? एक्स रियल नंबर के लिए चेक करोगे. एक्स अगर नेगेटिव है आपका तो वैल्यू आपकी नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी. जब ये जीरो होगा उस टाइम पे ये वन आ जाएगा. तो क्या मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं कर रही. क्यों? हाँ जी, जब x पॉजिटिव पुट करते जाओगे वो अप टू प्लस इंफिनिटी जाता जाएगा, जब आप x नेगेटिव लोगे वो अप टू माइनस इंफिनिटी जाएगा. सो देयर इज नो मैक्सिमम और नो मिनिमम वैल्यू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम है अब आपका, आपको अब गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1. Find the maximum or minimum values, if any, of the following functions. F of x is equal to mod of x plus 2 minus 1. क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? बच्चे मेरी बात सुनो, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, बाहर ये माइनस 1 भी तो है. हाँ, तो x में अगर मान लो वैल्यू मेरी यहाँ पे मैं माइनस 2 पुट करती हूँ, माइनस 2 प्लस 2 जीरो हो गया, उस टाइम पे ये वैल्यू आपकी क्या आई? माइनस 1. तो आप ये कैसे कह सकते हो कि माइनस 1 को हमने कुछ नहीं करना? हाँ, सोचो थोड़ा सा ध्यान से. ये वैल्यू हमेशा आपकी क्या होगी? नेगेटिव क्यों होगी बेटे? हाँ, माइनस 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी. क्यों? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी? जीरो. ठीक है, अब अगर इसमें मैं यहाँ पे सपोज माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 एक्स को ले लेती हूँ, तो अल्टीमेटली 2 के साथ सॉल्व होने के बाद दैट विल गिव मी अ पॉजिटिव वैल्यू विच विल बी ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो यहाँ पे जब ये जीरो होगा देन मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है आपकी? माइनस 1. और मैक्सिमम क्या आएगी? इन्फिनिटी. देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू. सो मिनिमम वैल्यू आ गई आपकी माइनस 1. माइनस 1 कहाँ पे है? जब दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2. एफ ऑफ माइनस 2 जो है आपका दैट इज इक्वल टू माइनस 1. सेकेंड पार्ट,
ऐसे ही कर लोगे इसको, अब मॉड वाले के आगे नेगेटिव लगा हुआ है तो कौन सी वैल्यू देगा, वो मैक्सिमम देगा कि मिनिमम देगा? स्टेटमेंट देखी नहीं है उसके बिना आप बोली जा रहे हो. अब बोलो, अब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव साइन है यानी कि ये नेगेटिव बन जाएगी. तो जो या जब ये जीरो हुई, दिस इज थ्री, उसके अलावा थ्री से वैल्यूज लेस आएंगी आपकी कि ज्यादा आएंगी? मॉड ऑफ एक्स प्लस वन हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है? नेगेटिव साइन लग गया तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव बन गई. अब जब इसकी वैल्यू जीरो है तब ये वैल्यू आपकी थ्री आ गई एफ ऑफ एक्स की, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी थ्री आ गई क्योंकि ये जीरो बन जाएगा, माइनस वन प्लस वन, ये जीरो बन गया, ये थ्री आ गया आपका. अब बाकी उस वैल्यूज के लिए इसको चेक करो, रैंडमली चेक करना है. एक्स की मैं अगर नेगेटिव वैल्यूज लेती हूँ तो ये आंसर मेरा जो मॉड के अंदर है नेगेटिव होगा, मॉड से बाहर आके वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, बट इस नेगेटिव साइन के साथ अगेन दैट विल बी नेगेटिव. तो यहाँ जो आपका ओवरऑल सॉल्व करने आएगा करके आएगा फॉर द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन थ्री और ग्रेटर देन थ्री. लेस देन थ्री, थ्री से लेस आएगी वैल्यू, यानी कि ये थ्री आपकी कौन सी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम. अब ये क्योंकि अप टू इन्फिनिटी जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी जा सकता है, तो इट मीन्स कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती है, तो देयर विल बी नो मिनिमम वैल्यू. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है इसको. एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ टू एक्स प्लस फाइव है, ये वाले सबसे इजी क्वेश्चन है. अब ये तो कॉन्स्टेंट है, मुझे इसका चेक करना है. साइन की वैल्यू लाइज बिटवीन नेगेटिव नहीं होती, माइनस वन टू वन, तो इट मींस जो आपका साइन टू एक्स है दैट विल लाई फ्रॉम माइनस वन टू वन. अब मुझे क्या चाहिए साइन टू एक्स के साथ, क्या चाहिए? प्लस फाइव चाहिए, तो एडिंग फाइव टू ऑल साइड. यहां क्या आ गया फोर, यहां क्या आ गया सिक्स, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी आई फोर और मैक्सिमम कितनी आई सिक्स. क्लियर? नेक्स्ट आप बताओगे अब मुझे मॉड ऑफ साइन फोर एक्स प्लस थ्री. अभिषेक बहुत खुश हो रहा है, चलो अभिषेक बताओ. साइन है तो साइन की वैल्यू विल लाई बिटवीन माइनस वन टू वन, साथ में क्या है प्लस थ्री, तो एडिंग थ्री टू ऑल साइड्स. यहाँ पे वन प्लस थ्री फोर हो जाएगा, यहाँ पे थ्री माइनस वन टू हो जाएगा, तो इज दिस आंसर. यहाँ पे मॉड भी है तो इसका मतलब वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव, तो इट मींस पॉजिटिव तो ले लूंगी मैं कहां से, ये दोनों पॉजिटिव हैं आपके, तो यही आ जाएगा आंसर कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, सो इसकी जो वैल्यूज हैं, क्योंकि दोनों वैल्यूज आपकी पॉजिटिव हैं टू और फोर, सो इट्स वैल्यू विल मॉड की जो वैल्यू है दैट विल लाई फ्रॉम टू टू फोर. सो द मिनिमम वैल्यू इज टू एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज फोर. लास्ट वाला यू विल डू योरसेल्फ. आपको इसमें यहाँ पे अब ओपन इंटरवल गिवन है माइनस वन टू वन, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल डू. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस मे बी. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर.
क्या आएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? एक्स से भी कर सकते हो, दिस इज टू ग्रेटर देन आ रहा है, सो पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा जो भी है हमारा, सो एक्स, सो यू विल गेट द वैल्यू, गॉट इट? एक्सक्यूज मी मैम, मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल नाउ, इज इट ओके? यस मैम, यस मैम, ओके बेटा, ओके। सो आप चाहो तो इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कर लो, वहां पे आपको एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है, जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसके लेफ्ट पे एक पॉइंट ले लो, राइट पे एक पॉइंट ले लो, और एफ डैश एक्स का साइन चेक करो, लेफ्ट टू राइट दिस इज चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव मींस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, उसके बाद आपने लोकल मिनिमम वैल्यू देनी है, वैल्यू निकालने के लिए हमेशा एफ ऑफ एक्स में इसको पुट करोगे। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करते हो तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, एफ डैश एक्स आपका 2x था, एफ डबल डैश एक्स आपका 2 आ गया, दैट इज अ कॉन्स्टेंट विच इज ग्रेटर देन 0, तो इसको हमें इस पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हमने ले लिया, दिस विल गिव अस अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो x इज इक्वल टू 0 जो आपका है दैट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमम वैल्यू f ऑफ 0 यू विल फाइंड आउट। सेकंड पार्ट, हां जी, ओके, सो दिस क्वेश्चन यू विल ट्राई ऑल द पार्ट्स एट होम, इफ एनी डाउट इज देयर बच्चे यू कैन आस्क।